बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आपको लास्ट, आपको पता है जो वीडियो आपने देखी है वो 1 टिल 4 पार्ट की थी। अब हमारी इसी वीडियो का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट इसका बन रहा है। टोटल इस चैप्टर एक्सरसाइज का वो हमारा तीसरा पार्ट बन जाएगा। सही है, तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज है 2.2, फर्स्ट ईयर मैथ्स की न्यू बुक है। सही, मल्टीप्लीकेशन टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो किसका चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड चल रहा है। सही है, अब मल्टीप्लीकेशन हमें किसकी दी है, 5 पार्ट में ए स्क्वायर दिए। ए स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए, ए को ए से आपने मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है ए की वैल्यू को आप स्क्वायर कर दो। क्लियर, तो ए बाय ए में आपके पास ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है, ए का ऑर्डर 3/3, फिर वापस अगर ए से ही मल्टीप्लाई 3/3। ये सेम होने की वजह से इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स कॉपी कर रहा हूँ, 3, 4, -2, फिर -4, 5, -3, फिर हमारा है 1, 7, 8, मैट्रिक्स क्लोज। आगे आ जाता हूँ, फिर वापस ए ही उतारूँगा, 3, 4, -2, -4, 5, -3, 1, 7 और 8 मैंने कॉपी कर लिया। रूल मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप इसमें देखो 3 कॉलम है, 3 कॉलम का मतलब आप इस मैट्रिक्स को 3 टाइम्स कॉपी करोगे। तो 3, 4, -2, फिर -4, 5, -3, 1, 7 एंड 8। एक दफ़ा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हर किसी के बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगानी है। हर किसी के बाद मल्टीप्लाई की साइन आ गई, स्टार्ट को छोड़ के बाकी जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ प्लस भी लगानी है। देखो जहाँ साइन नहीं थी वहाँ मैंने प्लस लगा दी। सही, आपको जैसे इजी लगे आप साथ साथ साइंस लगाना चाहो साथ साथ लगाओ, नहीं तो ऐसे बाद में भी लगा। एक दफ़ा कॉपी किया, अब 3 कॉलम होने की वजह से इसी को सेम टू सेम 3 दफ़ा कॉपी कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, आपको जैसे इजी लगे, आपको यहाँ से देख के इजी लगे, ऊपर से देख के इजी लगे, आपकी मर्जी है। 5, -3, फिर 1, 7, 8, फिर एक और दफ़ा कॉपी करना है। तो 3, 4, -2, -4, 5, -3, देखो यहाँ पर आपकी फिजिबिलिटी है, आपको कैसे इजी लगता है आपको ऐसे करना है। हर नंबर के बाद आपने क्या साइन लगानी है, मल्टीप्लाई की साइन लगा देनी है। तो हर जगह मेरी आ गई मल्टीप्लाई की साइन आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास हर नंबर से पहले पहली लाइन को छोड़ देना है, बाकी जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ पहले साइन, पहले आपने यहाँ से कंप्लीट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाना है, वरना अगर नेक्स्ट पे जाओगे तो फिर मुश्किल होगी। देखो यहाँ शुरू में नंबर है इसलिए यहाँ को साइन नहीं लगेगी। फिर आपके पास कॉलम से नंबर पिक करने हैं, रॉ के अंदर आपको पुट करने हैं। सही है, कॉलम से पिक करोगे, रॉ में पुट करोगे। तो 3, 4, -2, फिर आगे -4, 5, -3, 1, 7, 8। जो नंबर आपका ऊपर आपको नज़र आ रहा है वही सेम टू सेम आप नीचे कॉपी कर दो, ऊपर मैट्रिक्स की तरफ नज़र ना करो कि गड़बड़ हो। सही है, तो मैंने कॉपी किया 1, 1, 7, 7, 8, 8। सही है, मैंने कॉपी कर लिया। अब की बार मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इजी वे के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटर के अंदर ये पूरी वैल्यू पुट करोगे। मेरे पास पीसी में साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा नहीं है जो आपको मैं समझा सकूं, इसीलिए मैं आपको मैन्युअली करके दिखा रहा हूं। तो 3 3 जा, तो मैं यहां पर आपके इजी के लिए, अब आपके पास कैलकुलेटर अगर है तो आप कैलकुलेटर अपने सामने रखो। देखो मेरे पास मेरे मोबाइल में कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह पूरी वैल्यू दी हुई है मैं उसी तरह इस वैल्यू को लिख के आपको भी शो करता हूँ। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय -2। जैसे वैल्यू दी थी मैंने वैसे इसको कॉपी कर लिया। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो देख लो, मैंने कॉपी कर लिया। इक्वल का साइन दबाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आंसर आ रहा है। इक्वल दबा दे तो आपके पास कैलकुलेटर में -9 आ गया। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3, +5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर +7 मल्टीप्लाई बाय -2 लिखा मैंने। इस बार मेरे को आंसर दिया 18 आंसर कैलकुलेटर ने। फिर इसी तरह -2 है, देखो शुरू में साइन है -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, +8 मल्टीप्लाई बाय -2। फर्स्ट ईयर के लेवल पे आ चुके हो इसलिए आपके लिए कंपलसरी है कि जहां आप कैलकुलेटर से अपने स्टेप को बचा सकते हो वहां स्टेप बचाओ, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, प्रैक्टिस सवाल है, इसलिए आप इतना टाइम ज़ाया नहीं करोगे। बेसिक के लिए जब तक आपकी की प्रैक्टिस नहीं होती जब तक लाजमी आप प्रैक्टिस करो, नहीं पक्का हो जाए फिर आप कैलकुलेटर को ही यूज़ करो कि आपकी गलती भी नहीं हो और आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो आपके भाई वैल्यू क्या आ रही है, -34। फिर इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय -4, +5 मल्टीप्लाई बाय 5, +7 -3, 7 मल्टीप्लाई बाय -3।
वो जहाँ मल्टीप्लाई के साइन है प्रॉपर नहीं लगाओगे आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करने में गलती करी है यहाँ पर कैलकुलेटर में, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेप को। तो मैंने क्या किया, 4 × -4 लिखा, फिर 5 × 5 लिखा, फिर +7 × -3 लगा, मुझे कैलकुलेटर ने आंसर क्या दे दिया, -12। फिर -2 × -4, फिर -3 × 5, +8 × -3, आपके पास आंसर आ रहा है -31। आगे बढ़ जाओ, 3 × 1 − 4 × 7 +1 × 0, आपने पूरी वैल्यू कॉपी की, आंसर आपको दे रहा होगा -25 कैलकुलेटर। फिर 4 × 1 +5 × 7 5 × 7 +7 × 8, तो इस बार आपके पास आंसर जो आ रहा है, यहाँ पर मैंने साइन गलत कर दी कैलकुलेटर में, आ रहा है 99। -2 × 1 -3 × 7 +8 × 8 आंसर आ रहा है 41। तो ये आपने क्या मल्टीप्लिकेशन की और जो आपके पास आंसर आया वो लिख दिया, ये आपका ए स्क्वायर का आंसर था। क्लियर है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ किसका, ए स्क्वायर का। इसी तरह फिर आपको सी बी दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं सी बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सही, अच्छा मैंने थोड़ा सा रब कर लिया बोर्ड को साफ करने के लिए। अगला हमें मल्टीप्लाई करना है सी बी। सी बी मल्टीप्लीकेशन के वक्त हमारे पास सी का ऑर्डर देखना है, सी का ऑर्डर हमारा है 3/2, बी का ऑर्डर हमारा है 2/3। मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, सी का ऑर्डर पहले लिखेंगे जिस तरह मल्टीप्लीकेशन का बोला जा रहा है। इसका ऑर्डर क्या है हमारा, 2/3। देखो सेम है, सेम होने का मकसद यही हो गया कि हमारी पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, सी बी मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे। तो सी बी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पार्ट नंबर 6 है आपका। सी पार्ट आपने कॉपी किया, -5 6 -2 4 -3 7, बी को ले लेते हैं 3 2 4 -3 -1 5। सही है, सी बी आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको रूल वही चलाना है जैसे आपको बताया गया कि 1 2 3 कॉलम 3 है, इसलिए 3 टाइम इसको कॉपी कर लेता हूँ, -5 6 -2 4 -3 7। एक दफ़ा कॉपी किया, फिर -5 6 2 4 -3 7, एक दफ़ा और कॉपी किया, एक और दफ़ा कॉपी करूँगा -5 6 2 4 -3। गैप से कॉपी करना, नंबर बिल्कुल स्टिक करके नहीं करना। सही है, नंबर कॉपी करने के बाद हर नंबर के बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाते जानी है। देखो आपको इस तरह इजी लगे कि पहले सारे उतार लिए उसके बाद आप करो तो आपको आसानी जैसे लगे। देखो इस तरह शायद टाइम सेव होगा आपका, बचेगा, ये उतार लिया, उसके बाद जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ प्लस लगेगी। देखो पहली लाइन को छोड़ के सेकंड या थर्ड जितनी भी लाइंस है आपके पास रॉम कॉलम में उन पे साइन जरूर लगेगी। ये मैंने देखो कॉपी कर लिया, मेरे को 2 मिनट लगे, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। आगे मेरे पास तरीका क्या क्या होता है कि रॉ कॉलम से नंबर को रॉ में पुट करने। देखो 3 2 4 -3 -1 5, तो ये आ गया 3 2 4 -3 -1 5। ये आपने क्या है, सारे नंबर कॉपी कर लिए, अब आपने सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। सही है, तो ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, मैन्युअली भी कर सकते हो। तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करो क्योंकि आपने क्या करना है, टाइम बचाना है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम इज़ मनी। तो 5 × 3 + 4 × 2, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं देखो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। आप भी कैलकुलेटर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऐसी करना जो सिमिलर कैलकुलेटर से, बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी जो इस तरह की आपको मिले, आप वो यार डाउनलोड कर लेना। सही है, तो ये आपके पास आ रही है -7। फिर आपके पास आ रहा है 6 × 3 − 3 × 2, आपका आ रहा है 12। -2 × 3 + 7 × 2, ये आपका आ रहा है 15। फिर आपके पास आ रहा है -5 × 4 + 4 − 3, ये आपका आ रहा है -32। फिर आपके पास है 6 × 4 − 3 − 3, आंसर आ रहा है 39। लास्ट वाली लाइन में 2 × 4 + 7 − 3, आपका आंसर आ रहा है -13। इसी तरह -5 × -1 + 4 × 5, आपका आंसर आ रहा है 25। 6 × -1 फिर -1 6 × -1
फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, माइनस 21 आ रहा है, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, सॉरी टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये आपका आंसर आ गया 33। तो ये मेरा आंसर किसका आ गया, सी बी का आंसर, सही है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया सी बी तक। एक और पार्ट हमें इस वीडियो में कवर करना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट जो। अच्छा अब हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर सेवन। अच्छा पार्ट नंबर सेवन में आपको दिया है ए बी इंटू सी। अब आपने जब पार्ट नंबर थ्री किया था वहाँ पर हमें पता चला था कि ए बी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल होने की वजह थी ए का ऑर्डर 3/3 था, बी का ऑर्डर 2/3 था, ये सेम नहीं था, ए बी पॉसिबल नहीं था, इस वजह से ये भी हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल। कि जब ए बी पॉसिबल नहीं है तो ए बी के साथ सी का भी मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, सही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेवन पार्ट था वो यहीं तक एंड होगा, बहुत छोटा रह जाएगा, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा इंशाल्लाह। ये आखिरी के जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।